बेकोव को एक सम्मान दिया गया है। पुतिन ने आजाद बेग उमर बेकोव को प्रमोट किया है। कमांडर उमर बेकोव पर बूचा में नरसंहार का आरोप लगा है, तो वो कमांडर जिस पर इंसानियत का कत्ल करने का आरोप है, वो कमांडर जिस पर नरसंहार करने का आरोप है, बूचा में सड़कों पर जो लाशें दिखाई दी, वो कमांडर उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसको पुतिन सम्मान देते हुए नजर आ रहे हैं। पुतिन ने उसको सम्मान दिया है, तो बूचा के शैतान का यहां सम्मान किया गया, प्रमोशन किया गया। पुतिन ने आजाद बेग उमर बेकोव को मिशन यूक्रेन के लिए इनाम दिया। पुतिन ने उमर बेकोव को लेफ्टिनेंट कर्नल से अब कर्नल बना दिया है, आजाद बेग उमर बेकोव को बूचा पर कब्जे की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रूस के कमांडर आजाद बेग उमर बेकोव को बूचा का कसाई कहा जाता है। आजाद बेग उमर बेकोव पर बूचा में लोगों के नरसंहार का आरोप लगा है। उमर बेकोव के निर्देश पर ही यूक्रेन के नागरिकों को गोली मारने का आरोप है। बूचा में लोगों की हत्याएं, महिलाओं से गैंगरेप और दरिंदगी के आरोप हैं। बूचा नरसंहार की भारत समेत पूरी दुनिया ने कड़े शब्दों में निंदा की थी, और ये अब यहां पर वो शख्स जिसको शायद सजा नहीं दी जाती तो कम से कम कटघरे में खड़ा करके पूछा तो जाता डॉक्टर संदीप कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या ये हमारा टारगेट था, लेकिन उसको यहां पर प्रमोट करके क्या मैसेजिंग है? देखिए, पुतिन की मैसेजिंग बहुत क्लियर है। जिसे आप नरसंहार कहते हैं ये तय कौन रहा है, ये पश्चिमी देश हैं, ये तय कौन रहा है, ये पश्चिमी देश है यूक्रेन। अरे वो तो दिख रहा है सामने, सैनिक नहीं थे, वो तो आम लोग थे, जो कोई साइकिल से जा रहा है, कोई दूध लेने जा रहा है, कोई घर जा रहा है, उनको मार दिया गया। जब युद्ध में आपकी सेना जाती है तो उनके पास एक मॉरल इंग्लिशन नहीं होता, नैतिकता का पार्ट उनके पास, उनको ये होता है कि बाई हुक एंड क्रूक हमें युद्ध। तो इसका मतलब तो फिर आप परमाणु बम के पर सैनिकों और आम लोगों को अलग कर रहे हैं। जब उसकी अभी तक आवश्यकता ही नहीं पड़ी है, जब यूक्रेन अपने कन्वेंशनल रशिया अपने कन्वेंशनल वेपन से ही और जिनेवा कन्वेंशन, यूएन के चार्टर, ये सब फिर खत्म हो गए। देखिए ऐसा है, ह्यूमन शील्ड्स तो यूक्रेन भी यूज कर रहा है अपने नागरिकों को, यूक्रेनियन आर्मी यूज कर रही है। सर सवाल ये ना कि बूचा का ही मुद्दा था ना, बूचा में नरसंहार का ही जो आरोप लगा था, उसके बाद रूस को यूएनएचआरसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मरियोपोल में भी बताया जा रहा है कि बूचा जैसे ही सामूहिक कब्रें बनाई गई है, तो पुतिन ये जो पूरी बदनामी झेल रहे हैं दुनिया भर में, क्या इस कमांडर का प्रमोशन करने से और इमेज इनकी खराब नहीं हो रही है, इन पर ये आरोप साबित नहीं हो रहे? देखिए, आपने 7 अप्रैल को जो यूएनएचआरसी की जो वो हुआ था, उसमें कितने देशों ने इनका साथ दिया, यूएस का 93 देशों ने, और उसके अगेंस्ट कितने थे, 24 देश तो उन्होंने उसके खिलाफ रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट दिया, और उसके अलावा 56 देश और थे, 58 देश या 56 देश इंडिया को मिला के, जो कि जेनोसाइड इमेज जो बनी है उसकी बात हम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ट्राइपोलर वर्ल्ड बन रहा है, ये दो घटक हो चुके हैं ऑलरेडी, एक तरफ है चाइना, सॉरी रशिया, मुझे लगता है ट्राइपोलर नहीं है, बाइपोलर ही है, एक तरफ ताकतवर हथियारों और सेना वाले देश और दूसरी तरफ छोटे छोटे कमजोर देश, अब जिसको बचना है वो किसी एक की शरण में जाए, यही स्थिति है। देखिए, एक तरफ हो गया छोटे देशों का कोई समूह नहीं है, यूएस उनके पास दो ही ऑप्शन होंगे, यूएस नेटो ईयू एक तरफ है, रशिया चाइना एक धड़ा बन गया, उनके साथ कुछ और देश भी हैं जैसे नॉर्थ कोरिया है और कुछ और देश, उसके अलावा इंडिया एक बहुत बड़ा बड़ी ताकत के, बिल्कुल इंडिया ने अभी तक अपने आप को किसी भी गुट में नहीं शामिल किया है। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।